घर का दामाद होकर तुम इस घर को तोड़ना चाहते हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमने जानवी से सिर्फ दौलत के लिए शादी की। साली साहब, आपस की बात है, हम बाद में बात कर लेंगे। प्लीज अभी चुप हो जाइए, जानवी सो रही है। तुम्हें जानवी की कब से फिक्र होने लगी? तुम्हें तो उसकी मौत की भी फिक्र नहीं है, लेकिन अगर जानवी को कुछ हुआ ना तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, समझे? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं जानू, बहुत दिनों बाद मिले ना इसलिए बातें कर रहे थे। अब बैठना आप। जानवी, इतना बड़ा दर्द आज तक तुम अकेले ही बर्दाश्त करती रही? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, अपने भाई से? क्यों? लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, मैं अपनी बहन का इलाज करवाऊंगा। अगर यहां नहीं हुआ तो हम अब्रॉड जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जानवी। जिस बहन के ऐसे दो भाई हूं उसे कुछ नहीं हो सकता। तुम सही कह रही हो जानवी, अब प्रांजल वापस आ गया है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स प्रांजल, तुमने अपना वादा निभाया और दक्ष को घर वापस लेकर आए। तुम्हारी वजह से इस घर में खुशियां वापस लौट कर आई है। देव! अरे 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 साले साहब, ये क्या बात हुई? जो आता है सीधा मेरी कॉलर पकड़ लेता है। सही कहते हैं लोग, घर जमाई की कुत्ते जैसी इज्जत होती है। ससुराल के लिए नौकर और सालों के लिए जोकर। इस घर के घर जमाई होकर तुमने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की। तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे साहब, जो आपने किया ना वो आपको भी नहीं करना चाहिए था। आपने पूरे खानदान के सामने झूठ बोला है, झूठ। आप जानते थे कि दक्ष बेकसूर है, फिर भी आपने दक्ष को फंसाया। अरे साहब, जिनकी खुद की जिंदगी में राज होते ना वो दूसरों के राज फाश नहीं करते। वरना आपकी राजदार, हम राज, अलग जो है ना, यूं छोड़ के भाग जाएगी आप। जियो और जीने दो।